हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपने एक्सोरा के प्लांट को देने वाली हूँ खाद, फर्टिलाइज़र। मैं आपको बता दूँ कि ये फर्टिलाइज़र है NPK 0050। इसको देने से प्लांट अच्छा होता है। तो देखिए, मेरा एक जोड़ा का प्लांट, मैंने पहले भी इसमें खाद दिया है, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। अब मैं इसे 15 दिन हो चुके हैं तो दोबारा से खाद दे रही हूँ। ठीक है, चलिए खाद देते हैं इसको। देखिए गाइस, आई होप आपको दिख रहा हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिन में, इसलिए मैंने वीडियो दिन छिपे के बाद बनाई है। जबकि कहते हैं कि दिन छिपे के बाद पेड़ नहीं छूने चाहिए, पर कोई बात नहीं गाइस। देखिए, खाद ही देना है और कुछ नहीं करना, बस हम इसको दे देंगे और फिर हम ये मिट्टी इसकी इसके ऊपर कर देंगे, इसको ढक देंगे मिट्टी से, खाद को, फर्टिलाइज़र को, सॉरी, जो भी है। बस अब इसमें अभी पानी देने की ज़रूरत है नहीं, मिट्टी काफ़ी, सोइल जो है इसका गीला है, तो मिट्टी की कोई आवश्यकता है नहीं। पर देखिए, फिर भी पहले से इसकी स्थिति पेड़ की अच्छी हो गई है खाद देने से। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत अच्छा है, 0050 आप इसे दे सकते हैं। ये मैंने पहले दिया था, तब से इसकी हालत कुछ सुधरी, 15 दिन पहले दिया था, तो अब मैंने फिर ये दोबारा दे दिया है, क्योंकि इस पेड़ की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। चलिए जी, ओके, बाय।